आज कई लोगों ने पूछा है कि लवर्स डे प्रेम दिवस का अभिप्राय क्या है। वैसे तो प्रेम शब्द शास्त्रों वेदों में भगवान के लिए आता है, लेकिन संसारी लोगों ने भी उस शब्द का प्रयोग अपने एरिया में किया, कर रहे हैं। जैसे हम मम्मी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, दीदी से प्रेम करते हैं, बीबी से प्रेम करते हैं, ऐसा बोलते हैं, लेकिन प्रेम शब्द का अर्थ भी नहीं जानते। हर एक की जबान पर एक वाक्य है इंग्लिश का, आई लव यू। क्या मतलब है इसका, ये कोई नहीं जानता। लव क्या है, लवर क्या है, ये महापुरुष और भगवान ही जानते हैं और प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और कोई मायाबद्ध देवता हो चाहे मनुष्य हो, कोई नहीं कर सकता। प्रेम की परिभाषा की है नारद जी ने, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम अनिर्वचनीय है, अर्थात शब्दों से बताया नहीं जा सकता, इंद्रिय मन बुद्धि में समा नहीं सकता। ये ऐसा तत्व है कि जेहि खोजत जोगी समुनि प्रभु प्रसाद को उपाओ। करोड़ों वर्ष तपश्चर्या करने वाले योगींद्र मुनींद्र भी प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकते। साधनौघई रनासंगई रलभ्या सुचिरादपि। अगर एक आदमी करोड़ों शरीर धारण कर ले और करोड़ों युग साधना करे, तब भी प्रेम नहीं जान सकता, प्रेम नहीं पा सकता। वो है प्रेम। और हम लोग एक कूड़ा कबाड़ा संसार में बोल देते हैं, हम तुमसे प्रेम करते हैं। प्रेम क्या है ये कुछ नहीं जानते। एक छोटी सी परिभाषा है प्रेम की, सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो सब प्रेमा परिकीर्तिता। ये पहला प्रेम क्या है, मतलब इसका प्रेम यानी मन का अटैचमेंट किसी से है, उसको हम लोग प्रेम कहते हैं। चलो मान लो, तो वह प्रेम भी कभी कम न हो, नष्ट न हो, प्लस प्रतिक्षण वर्धमानम बढ़ता जाए। ये तीन शर्त। प्रेम के नाश होने का कारण हो
और प्रेम नष्ट न हो। जैसे कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, हाँ कसम खा रहे हैं, गंगा उठा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन एक लेटर भी अगर पढ़ ले पति या स्त्री कि हमारा पति या हमारी स्त्री कहीं प्यार करती है, बस प्रेम खत्म, जीरो। और मार धाड़ भी हो सकती है, तलाक भी हो सकता है, मर्डर तक हो सकता है। ये कैसा प्रेम है तुम्हारा? अभी एक मिनट पहले कह रहे थे कि तुम प्राण से अधिक प्यारे हो और अब उसका प्राण लेने को तैयार हो गए एक लेटर में। बाद में वो कह दे स्त्री, अरे ये लेटर तो आज पहली अप्रैल है ना, इसलिए लिख के दिखाया था तुमको। हाँ वही तो हमने कहा, हमारी बीवी ऐसा कैसे है। फिर वो बेवकूफ बन गया। ये सब प्रेम नहीं है। नष्ट होने का कारण होने पर भी प्रेम नष्ट ना हो, ऐसा प्रेम संसार में कोई कर सकता है? इम्पॉसिबल। भक्त और भगवान का प्रेम ऐसा होता है, शिष्य और गुरु का प्रेम ऐसा होता है। बस अगर सच्चा भक्त है और भगवान से प्यार करता है तो वो कहता है आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपतो मत् प्राणनाथस्तु सेवनापरः। गौरांग महाप्रभु ने कहा था भगवान श्री कृष्ण के लिए कि तुम तीन काम कर सकते हो, बस मुझे चित्ता के प्यार कर लो, या नंबर दो उदासीन हो जाओ। कौन हो तुम, कहां से आए हो, क्यों आए हो, ऐसे बात करो, या चक्र उठाओ सिर काट दो। बस यही तीन काम तुम कर सकते हो, यानी प्यार या खार या न्यूट्रल। हम तीनों में चैलेंज करते हैं तुमको, इन तीनों में जो अच्छा लगे, जिससे तुमको सुख मिले वो करो। हमारे प्यार में कोई परिवर्तन नहीं होगा तुम्हारी इन क्रियाओं। ये प्रेम है, इसमें तीन चीजें समझने की हैं, प्रेमी, प्रेम, प्रेमास्पद। बुद्धि लगाओ, प्रेमी माने प्रेम करने वाला और प्रेम जो मन से किया जाता है अटैचमेंट, और प्रेमास्पद। प्रेमास्पद माने प्रियतम, जिसको आप लोग संसारी गंवारी भाषा में कूड़ा कबाड़ा को लवर कहते हैं। संसार में ये प्रेम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां दोनों लवर बनते हैं, यहां कोई सेवक बनने को तैयार नहीं। बेटा बाप का प्यार हो चाहे स्त्री पति का प्यार हो, तुम हमारे लिए, हमारे सुख के लिए काम करो,
वो कहता है तुम हमारे सुख के लिए काम करो, बस लड़ाई हो गई, क्योंकि दोनों दुखी है। भगवान का आनंद जो किसी को मिला नहीं, तो अपने अपने आनंद पाने के लिए सब तरकीबें लगाती है, स्त्री पति से, पति स्त्री से, बेटा बाप से, बाप बेटा से, सब 420 सोचते हैं, पढ़ पढ़ करके, देख देख के, सुन सुन के, क्या तरकीब करें कि ये बेवकूफ बन जाए, हमारा स्वार्थ सिद्ध कर दे। इसलिए संसार में कोई किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। विश्व में अनादिकाल से अनंत काल तक जब उसको आनंद मिल जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, अब पूर्ण हो गया हो, अब प्रेम कर सकता है, क्योंकि अब कोई स्वार्थ नहीं है उसका, आनंद मिल गया, यही तो स्वार्थ था। तो एक प्रेमी होता है और एक प्रेमास्पद होता है, ये दोनों पहले समझो। प्रेमी माने प्रेम करने वाला, ये दास है। इसको एक पाठ पढ़ना है, देना 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 देना, सेवा करना। और प्रेमास्पद जिसकी सेवा करना है, वो सेवा करे ये कल्पना भी नहीं करना, वो क्या करे ये सोचने ही नहीं। अजी वाह, प्यार किए जाए वो ना करे, हमें तो कोई बेवकूफ है क्या? हम लोग ये देखते हैं, व्यापार हमने चार चिट्ठी लिखा, उसने एक ही जवाब दिया, ऐसे ही है उसका प्यार 1/4। हम संसार में बाहरी व्यवहार देख करके प्यार की परिभाषा करते हैं, और बाहरी व्यवहार को घोर 420 धोखा। तो प्रेमास्पद जो है वो केवल सेवक का सेवक है, वो सेवक नहीं है हमारा। प्रेम करने वाला सेवक है, जिससे प्रेम कर रहा है उससे वो बदला नहीं चाहता। हम भगवान से प्रेम करें, हम भगवान से प्रेम करें क्यों? गौरांग महाप्रभु से पूछा कि तुम श्री कृष्ण से प्रेम क्यों करते हो? उन्होंने कहा कि वो प्रेमास्पद है इसलिए करते, और कोई प्रेमास्पद नहीं है। प्रेम जिसके पास हो उसी को प्रेमास्पद कहते हैं। वो प्रेम क्या वस्तु है? लादिनी शक्तिरो परम सारो तारो प्रेम नाम। भगवान की सबसे प्राइवेट शक्ति का नाम है लादिनी शक्ति। उसका सार प्रेम दिव्य है। ये गंदा मन, इसमें दिव्य प्रेम आ ही नहीं सकता। ये तो संसारी अटैचमेंट, स्वार्थ, बिजनेस वाला प्रेम हम लोग संसार में करते हैं। सवेरे टेम्परेचर प्रेम का 90%, दोपहर को 50%, 4 बजे 0/100, ये हमारा प्रेम है। यानी जितनी हमारी सेवा दूसरी पार्टी किया उतनी हमारा, उतना प्यार हो गया उससे। सेवा कम प्यार कम, उतना हमारी बात नहीं मानी, उसको आप लोग कहते हैं मूड ऑफ है। ये मूड ऑफ क्यों हो गया? उसकी इच्छा पूर्ति नहीं किया उसने, बाप ने, मां ने, स्त्री ने, पति ने। तो दिव्य प्रेम जिसके पास हो उसका नाम प्रेमास्पद। एक सेंटेंस याद कर लो सब लोग,
दिव्य प्रेम यानी लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व दिव्य प्रेम जो गुरु कृपा से भगवत कृपा से मिलता है अंतःकरण शुद्ध होने के बाद वो प्रेम कहलाता है। तो वो प्रेम जिसके पास हो किसके पास होता है, एक तो भगवान के पास सदा ही है, उनको उनके ऊपर माया का अधिकार तो है नहीं, और वो जिसको कृपा करके दे दे वो महापुरुष संत उसके पास प्रेम हो जाता है। वही दिव्य प्रेम जो भगवान के पास है वही दिव्य प्रेम संत के पास हो जाता है। तो ये दोनों प्रेमास्पद हो सकते हैं, यानी इनसे हमको प्रेम मिल सकता है क्योंकि इनके पास प्रेम है। जैसे तमाम अंधे इकट्ठे हैं एक जगह पर, तो एक अंधा कहता है कि मेरे आंख नहीं है, भाइयों तुम लोगों में जिसके आंख हो वो हमको श्यामा श्याम धाम पहुंचा दो। तो दूसरे अंधे ने सोचा कि इसके आंख तो है ही नहीं, तो इसको तो क्या चलेगा पता कि मेरे आंख है कि नहीं। दोस्तों ने कहा सूरदास जरा मेरा हाथ पकड़ ले। बस इसी प्रकार का धोखा संसार में सब एक दूसरे को दे रहे हैं। हम तुमसे प्यार करते हैं, वो कहता है हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, वो भी कहता है हम तुम्हारे बिना, और वो बोले जाओ ऐसी पागल से निकल, आधा पागल नहीं फुल मैड। कितने पति मर गए बीबियां जीवित, कितनी बीबियां मर गई पति जिंदा है, कौन मरता है? और जबरदस्ती मरे सती होकर के आग में जल के, ये तो प्रेम नहीं है, ये तो हठ है। तो दिव्य प्रेम केवल भगवान और महापुरुष के पास है, इसलिए उस महापुरुष का जो प्रेमी होगा शिष्य कहते हैं जिसको, गुरु का शिष्य उसको गुरु समझा देगा प्रेम प्रेमास्पद प्रेमी का क्या मतलब होता है। तो वो शिष्य गुरु से प्यार करता है, गुरु के किसी व्यवहार को नहीं देखता, बस उसको सेवा का मतलब है। व्यवहार उल्टा भी करता है गुरु, अब अंदर से प्यार भरे है और तुम समझते हो कि अंदर से उल्टा है, अब तुम क्या समझोगे? तुम तो बाहर का व्यवहार देखकर प्यार का डिसीजन लेते हो ना, बाहर से देखा और हाँ कितना धोखा खाते हो रोज रोज, वैराग्य होता है मां से बाप से भाई से बीबी से पति से रोज, और फिर अटैचमेंट फिर वैराग्य फिर अटैचमेंट। इतनी बड़ी जोकरी मानो देश में हो रही है, और अगर कोई कह दे कि जरा आपके अकल कमजोर है, क्या कहा? अकल कमजोर है हमारी, तो प्रेम भगवान और महापुरुष दो ही के पास है, इन्हीं दोनों से प्राप्त हो सकता है, लेकिन कोई दाम नहीं है उसका। ध्यान दो इस पॉइंट पर, हम शरीर दान कर दें और प्रेम मिल जाए, इम्पॉसिबल। क्यों?
इसलिए कि तुम्हारा शरीर तो पंच महाभूत का गंदा शरीर है, रोम रोम से गंदगी निकलती है, और प्रेम तो दिव्य है, तो प्रेम का मूल्य गंदा शरीर कैसे होगा। अच्छा चलो मन दे दे, वो तो और गंदा है, अनंत जन्मों के पापों से भरा है, उसको देख के तुमको दिव्य प्रेम मिलेगा। क्या चीज तुम दे सकते हो? इंद्रियां, मन, बुद्धि, ऐसा माइक अपने आप को दे दो। हाँ, ये जीवात्मा जो है अपने आप को जब समर्पण कर दे भगवान को, गुरु को, उसको आत्मसमर्पण कहते हैं, तब उनकी कृपा से वो प्रेम मिलता है। कमाई से नहीं, कृपा से। तुम्हारी कमाई क्या है? अंतःकरण शुद्ध करो, तुमको गुरु मार्ग बताएगा, तुम्हारी हेल्प करेगा, साधना कराएगा, और जब मन शुद्ध हो जाएगा तो स्पिरिचुअल पावर दे करके मन और इंद्रियों को में दिव्य शक्ति भरेगा, दिव्य भगवान की, तब आप भगवान को देख सकेंगे, उनके शब्द सुन सकेंगे। इन आंखों से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। भगवान आपके सामने खड़े कर दें, आप लोग देखें, यही भगवान है। इससे अच्छा तो हमारा लड़का, ये बोलोगे क्यों? तुम्हारी आंख माइक पंच महाभूत से बनी है और भगवान दिव्य है, तो दिव्य वस्तु को माइक से ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब राम धनुष तोड़ने के लिए खड़े हुए थे जनकपुर में, तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। एक ने देखा इनके चार सिर है, वो बगल वाले से कहता है, ए देखो चार सिर है इनके, कैसा आदमी है ये। दूसरा कहता है गधे गिनती भी आती है, आठ है। तीसरा कहता है तुम दोनों अपड़ गंवार हो, अरे 22 सिर है। ए लो, हम संसार में किसी को देखते हैं, या तो सुंदर लगेगा और या तो खराब लगेगा, उसकी तरफ देखने को मन नहीं करता, और या तो नॉर्मल लगेगा, ठीक है ना, अच्छा है बहुत, ना कोई बुरा है, ठीक है, कॉमन मैन है। ये कैसे हो सकता है कि किसी को देख के हम कहें इसके 12 सिर, 18 हाथ हो, 50 पैर है, लेकिन भगवान को देखने वालों में इतना सब वैमत्य है? तो भगवान का दर्शन बिना दिव्य शक्ति पाए अगर हो जाए तो करोड़ों तालू कहें ये भगवान है, कोई नहीं मानने वाला, बल्कि वो कृपालु को भी नमस्कार कर लेंगे, ये तुम्हारे भगवान है। तो दिव्य मन में दिव्य प्रेम दिया जा सकता है। तो पहले हमको साधना भक्ति करके अंतःकरण को शुद्ध करना है, ये काम गुरु का है। तुमको शिष्य बनकर गुरु की सेवा करना है, तब विद्युत प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। गीता कहती है कि गुरु के शरणागत हो, अपना सर्वस्व अर्पित करके, और प्रश्न करो, पूछो, समझो, जीव क्या है, माया क्या है, भगवान क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, भगवत प्राप्ति कैसे होगी, सब चीज समझाएगा वो, तब साधना कर सकते हो। वरना जैसे आजकल करोड़ों लोग हमारे देश में दिखाई पड़ रहे हैं भक्ति कर रहे हैं, क्या भक्ति कर रहे हैं, पुस्तक का पाठ,
ये रामायण का पाठ सुंदरकांड रोज पढ़ते हैं हम। अच्छा, तो ये तो आंख और जबान का काम है, मन का काम तो है नहीं है, और उपासना तो मन को करनी है। हम चारों धाम की मार्चिंग करिया है, ये तो पैर का काम है, मन का तो है नहीं है। हम इतना जप करते हैं, ये तो हाथ की उंगलियां करती है। हम 4 घंटा पूजन करते हैं, हम 10 घंटा कीर्तन करते हैं वाणी से, इससे काम नहीं बनेगा। तुम ये बताओ कि निष्काम आंसू कितना बहाते हो भगवान के दर्शन के लिए, निष्काम आंसू। कोई कमन अपनी ख्वाहिश ना हो, कामना ना हो, ऐसा आंसू। बेटा बीमार है, अरे भगवान रो रहे हैं भगवान के आगे, ये आंसू शुद्ध नहीं है, तो अशुद्ध है। गंदे बेटे के लिए भगवान के आगे आंसू बहा रहे हो, नहीं। मोक्ष नहीं मांगना है, संसार की कौन कहे। प्रेम में मांगना नहीं है, देना देना प्रेम, लेना लेना कामना, और लेना देना बिजनेस। तो प्रेम देना देना है। अनंत जन्म बीत गए हम लोगों के भीख मांगने में, मम्मी प्रेम दे दो, डैडी प्रेम दे दो, बीबी प्रेम दे दो। अरे क्या दे दे, उसके पास आई नहीं, अरे वो क्या दे दे, किसी भिखारी की झोली में 1 पैसा नहीं। और तुम कहते हो हमें लड़की की शादी करना है, 1 करोड़ दे दो, तो कह ले देखो क्या है। तो भगवान और महापुरुष ये दोनों ही लबर हो सकते हैं, यानी प्रेमास्पद हो सकते हैं। उनसे हम बदले की कामना न करें, जैसे हम उनके लिए करते हैं ऐसे वो हमारे लिए करें, ऐसा सोचो मत, वो करेंगे, तुम मत सोचो। हे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। भगवान ने गीता में कहा तुम जितना प्यार करोगे उतनी कृपा हम करेंगे, हमारा नियम है। संतों का भी यही नियम है, जितना हृदय तुम्हारा शुद्ध होगा, शरणागत होगा, उतना वो कृपा करेंगे। लेकिन हम उनसे मांगे ना कुछ, अरे वो क्यों हमारे पीछे लगेंगे, क्या है हमारे पास। उनके पास तो सब सामान दिव्य दिव्य है, भगवान के पास, महापुरुष के पास सब चित आनंद, पूर्ण सत्ता, यानी सनातन जीवन, पूर्ण ज्ञान यानी सर्वज्ञता, और पूर्ण आनंद। ये तीन ही चीज तो हम मांग रहे हैं, और ये परिपूर्ण है, तो हम क्या देंगे उनको। अगर हमारी कोई दी हुई चीज वो ले, ये बड़ी कृपा है, अन्यथा हमारी कोई चीज ऐसी नहीं है जो भगवान के या महापुरुष के काम की हो। तो प्रेमास्पद भगवान और महापुरुष ही है, और प्रेमी दास होता है। वो संसार का कोई भी व्यक्ति बन सकता है, उसको शिष्य कहते हैं, गुरु का शिष्य हुआ। अब गुरु कुछ भी व्यवहार करे हम उसको बुरा नहीं मानते, हमारा प्यार कम होगा ही नहीं कभी। क्या करेगा गुरु, करे परीक्षा ले हमारी, हम डिगेंगे नहीं। छोटी सी बात अगर गुरु ने डांट दिया कि तुम्हें गलती कर रहे हो, मूड ऑफ, चला गया सत्संग से।
को सबके सामने डांट दिया। अच्छा, अरे बेवकूफ, तेरे सौभाग्य है कि तुझको अपना समझ के डाटा को सुधार कर ले अपना, और फिर भी तू नहीं समझता, उसको उल्टा समझता, कभी कल्याण नहीं होगा तेरा, अनंत कोटि जगत गुरु मिल जाए क्या करेंगे वो। मूर्ख हृदय नचेत यदि गुरु मिले बिरंच सम। तो आज का दिन ये प्रेम दिवस है, इसमें ये समझना है कि प्रेम दिव्य वस्तु है। नंबर एक, वो भगवान और महापुरुष के पास ही है। नंबर दो, इसलिए वही दोनों प्रेमास्पद है, और जिसके पास प्रेम नहीं है वो प्रेमास्पद नहीं हो सकता, वो तो प्रेम का एक भिखारी है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब गुरु के द्वारा दिया जाएगा, तब पाएगा वो, तब उसका जीवन कृतार्थ होगा। ये आज के पर्व का विशेषत्व है, महत्व है, और इसी आधार पर हम भगवान और गुरु के शरणागत होकर अंतःकरण शुद्धि करें, तभी हमारा कल्याण होगा। और अपनी बुद्धि अगर लगाया तो गए हो, सरस्वती बृहस्पति भी अपनी बुद्धि जहां लगाया। एक तो बात तो सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक लेकिन लगा देते हैं हम लोग अहंकार है ना बुद्धि का, एक लेकिन लगा करके और साथ चौपट कर देते हैं, साधना नहीं कर पाते, इसीलिए तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। ये आशय है आज के पर्व का।